हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। उस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए रीडिंग को लेकर आई हूँ, इनके आने वाले कुछ घंटे आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कैसे रहने वाले हैं आगे आने वाले कुछ घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। सो सबसे पहले गाइस आपके रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज को मैं लेने वाली हूँ कि आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आगे आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कंडीशन रहने वाली है, क्या कुछ करंटली फीलिंग्स होंगी आप दोनों की, चेक करूंगी। इस रीडिंग को टाइमलेस बना रही हूं मैं इस रीडिंग को गाइस। तो टाइमलेस का मींस है कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपको आज मिलती है आप इस रीडिंग को आज भी देख सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में कभी रीडिंग अगर आपको मिलती है तो इस रीडिंग को आप तभी भी देख सकते हैं अगर ये जो रीडिंग है एनर्जीज आपके साथ में मैच हो रही है, सिचुएशन अगर आपके साथ में मैच हो रही है। सो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। एंड जिन किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं, अगर एनर्जीज मैच हो रही है, क्योंकि एनर्जीज के बेसिस पे रहेगा ये प्रेडिक्शन गाइस। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं आपकी एनर्जीज को ले सकूँ। अपने और अपने पर्सन के नेम को ज़रूर से लिखें कमेंट सेक्शन में, एंड कमेंट सेक्शन में लिखे ओम नमः शिवाय, जय माता दी, एंड पॉजिटिव होकर देखिए हर रीडिंग को, सो डेट आपको जितनी भी रीडिंग है, जो भी एनर्जीज आप रिसीव कर पाए इस रीडिंग से, वो पॉजिटिव हो। सो स्टार्ट कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कैसे रहने वाले हैं अगले कुछ घंटे आपके रिलेशन को लेकर। आप जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, अपने रिलेशन के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नाम के बारे में सोचें कि आखिर नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशन को लेकर। ओके, सो द वर्ड की एनर्जीज, मेजर अरकाना से द वर्ड एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, माइनर अरकाना से थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एंड किंग ऑफ कप्स। सो मेरे पास कुछ एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इस टाइम पर। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस टाइम पर आपके रिलेशन में हो सकता है अपने पर्सन के साथ में, अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई मूव ऑन सिचुएशन चल रही है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगले कुछ घंटे आपके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई चेंजेस को जो है मैं आपकी रिलेशन की तरफ आते हुए देख रही हूँ। जो सिचुएशन है इस टाइम पर, जो भी सिचुएशन है, अगर कोई डिस्टर्बेंसेज हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके रिलेशन में इस टाइम पर, तो मैं देख रही हूँ कि कोई गुड चेंज बड़ी तेज़ी से मुझे आपके रिलेशन की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर बात करूँ मैं थ्री ऑफ सोर्ड्स की, तो मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जीज नज़र आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर आप या आपके पर्सन में कहीं ना कहीं मुझे कोई नाराज़गी नज़र आ रही है। यानी कि या तो अपने पर्सन से आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कोई ड्रीम दिखाया आपके पर्सन ने, कोई ड्रीम जो है आपके और अपने पर्सन के साथ में जो है आपने मिलकर देखा, बट वो पूरा नहीं हुआ, और हो सकता है कि पर्सन जो है इन्होंने आपके साथ में जो है रिलेशन को एंड कर दिया, या फिर पर्सन आपसे दूर चले गए, मूव ऑन हो गए, डिस्टेंसेस में आ गए, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए। सो ये सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन एनर्जीज को नज़र जो है मुझे यहाँ पर आ रही है कि कोई जो है चीज़ें आपने अपने रिलेशन को लेकर जो कुछ भी प्लान किया था, जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी अपना जो आपने समझा था अपने रिलेशन को लेकर, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, या तो आपके पर्सन ने जो है आपको कोई ब्लॉक सिचुएशन में रखा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से आपके जो पर्सन है एक ब्लॉक सिचुएशन में हो सकते हैं। सो ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट साथ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ थ्री ऑफ कप्स की भी एनर्जी से जो मुझे बता रही है कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से मुझे बिल्कुल सुधरती हुई नज़र आ रही है। सिचुएशन बिल्कुल, अगर आप लोग के बीच में इस टाइम पर कोई नो कॉन्टैक्ट है, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर अगर आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंस करके बैठ गए हैं, और कहीं ना कहीं अपने पर्सन की तरफ से आप क्लैरिटी चाहते हो, अगर अपने पर्सन की तरफ से आप क्लैरिटी चाहते हो, अपने रिलेशन में आप क्लैरिटी चाहते हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस टाइम पर इन पर्सन की तरफ से आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई सेलिब्रेशन मोमेंट जो है आपकी तरफ ये पर्सन लाते हुए मुझे नज़र आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं रियूनियन की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है अगले कुछ घंटों में, अगर अपने पर्सन के साथ में आपकी इस तरह से कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जीज हैं, या फिर आप कोई ऐसी याद है आपकी, कोई ऐसी मेमोरी है पास्ट की अपने रिलेशन से जुड़ी, जो से आप याद करके आज भी जो है दुखी हो जाते हैं। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं कोई ऐसी मेमोरी है इस टाइम पर जो हो सकता है आप बार बार जिसको है याद करते हैं, या फिर अगर आप याद ना भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो है बार बार कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को आपकी जो है माइंड में रहती है, दिमाग से निकलती ही नहीं है।
कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं अपने काम की तरफ या अपनी लाइफ की तरफ आप नहीं इस टाइम पर कर रहे हो, क्योंकि कर पा रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो सकता है कि आप हर्ट हो अपने रिलेशन में किसी चीज़ को लेकर, या फिर पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है या फिर उनसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आप जो है उनसे दुखी हो गए हो, आप नाराज़ हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं सैड एनर्जीज मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन के लिए अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, डेथ की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो मुझे बता रही है कि पर्सन इस टाइम पर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा फैसला जो आपके रिलेशनशिप के लिए जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी कोई डिसीजन जो है ये पर्सन लेना चाहते हैं। सो ऑरेकल एनर्जी से मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ यहाँ पर इस टाइम पर आपके पर्सन की क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पर्सन के लिए। अगले कुछ घंटों में पर्सन की एनर्जी मुझे बड़ी तेज़ी से मिल रही है कि ये पर्सन जिन किसी की पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पर हाईली एनर्जीज में आ रहे हैं कि कोई नेक्स्ट एक्शन ले, आगे बढ़कर कोई डिसीजन ले, अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई फैसला ले। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को अगर मिसगाइड कर रहे हैं, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर पर्सन आपके और आपके बीच में बढ़ रही है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बड़ी तेज़ी से जो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर डेथ की एनर्जी से, वो सारी निगेटिविटी या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी अगर आपके रिलेशन में, तो सारी चीज़ें मुझे जो खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके रिलेशन में, जहाँ सब कुछ आपको रिलेशन में आपको मिलने वाला है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसकी आप राह देख रहे थे, जो आप चाहते थे वाकई में आपकी लाइफ में हो। सो ऑरेकल एनर्जी से क्लैरिफाई ले लेती हूँ गाइस। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें गाइस। अगर आप पर्सनली अपना प्रेडिक्शन जो है लेना चाहते हैं, अपने पर्सनल नेम से, डिटेल्स से, जो भी है आपके पास में उससे अगर लेना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो न्यू विजन अगेन मेरे पास में, न्यू बिगनिंग, न्यू विजन की एनर्जीज बार बार आ रही है। कहीं ना कहीं कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज, मुझे पॉजिटिव चेंज आपके रिलेशन में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इस टाइम पर होपलेस एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं, या बिल्कुल आप क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अपने रिलेशन में, अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोग की ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि बहुत लंबे समय से अपने पर्सन का जो है आप वेट कर रहे हैं, बड़े लंबे टाइम से अपने पर्सन का जो है अपनी लाइफ में आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग की एनर्जीज ऐसी है जो स्टेप पर थोड़े से मुझे अग्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन से जो है मूव ऑन होना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ना ही तो आप इस रिलेशन में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही अपने पास्ट को भूल पा रहे हैं। सो एनर्जी मुझे कहना कि आपके पर्सन की तरफ से बड़ी तेज़ी से मिल रही है कि पर्सन आपके साथ में बहुत जल्द जो है कनेक्ट करने की कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो स्ट्रेस, इंटीग्रेशन एंड द ड्रीम। ओके, सो यहाँ पर स्टैम्पर मुझे यही एनर्जीज मिल रही है, किसी बात को लेकर, जिस भी बात को लेकर स्टैम्पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जिस भी बात को आप खुद ही जानते होंगे गाइस कि वो क्या बात है स्टैम्पर, जिसके बारे में सोचकर आप एकदम निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो और सोचते हो कि कब एंड होगा ये टाइम, कब एंड होगा ये चैलेंजिंग टाइम, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में जो हैप्पी चेंजेस आएंगे, आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा। तो मेरे पास यह बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है जो मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि इस टाइम पर आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, कहीं ना कहीं जिसको लेकर इस टाइम पर होपलेस एनर्जीज में आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत जल्द जो है आपके करीब है, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आपके पर्सन की तरफ से कोई बहुत गुड न्यूज़, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको मिल सकती है। सो गाइस अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, लिब्रा दिख रहे हैं, जेमिनी हो सकते हैं आप, सैजिटेरियस की एनर्जीज मेरे पास में यहाँ पर नज़र आ रही है, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन। सो अगर ये पर्सन है आपके तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टैम्प पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ रहे हैं कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइज अगर आपके पर्सन के साइन नहीं है इसमें, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर सिचुएशन आपके साथ में मैच कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन इस टाइम पर ये पर्सन ले रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है आपके पर्सन के लिए। सो गाइज आई होप के साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। अब मैं चेक कर लेती हूँ आपके करियर को लेकर क्या कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, यानी कि अगले कुछ घंटे आपके करियर के लिए गाइज। जनरल बेसिस पे देखिए गाइज इस रीडिंग को कैसे रहने वाली है। तो आपके करियर को लेकर जो भी एनर्जीज है, सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ इस टाइम पर आपके करियर को लेकर क्या कुछ एनर्जीज आ रही है।
ओके सो क्वीन ऑफ वैंस, टेन ऑफ सोज। सो आप में से कई सारे लोग, मुझे ऐसे लग रहा है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने करियर को, किसी बात को लेकर जो है टेंशन में नज़र आ रहे हैं, या फिर अपनी जॉब को लेकर जो है टेंशन में है, या फिर परेशान है, या फिर अपनी बिजनेस की ग्रोथ को लेकर, या फिर अपने बिजनेस को लेकर, या फिर अपने करियर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जिसको सोच सोच कर आप टेंशन में हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके करियर में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट इस टाइम पर कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने से या तो आप बच रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसे लग रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे आप लोग के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस किसी की भी एनर्जीज आएंगी इस टाइम पर, फ्यू मोर एनर्जीज आई विल टेक। नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके सो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी चल रही है। फोर ऑफ सूट्स की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रही है। पास्ट की कोई एनर्जी यहाँ पर इस टाइम के आपके करियर की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पास्ट में कुछ ऐसा है कि आपके करियर में जिसमें बहुत जिसके बारे में आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो आगे बढ़ने से ज़्यादा। मैं गाइस देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सोच रहे हो, अपने उस पास्ट को सोच रहे हो। कहीं ना कहीं जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो फॉरवर्ड, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो पास्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ आकर आपकी जो एनर्जीज हैं वो स्टक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो आप। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। सो गाइस मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग में इस टाइम पर अगर आप हैं, तो मैं कहूँगी आपको आगे बढ़ने की नीड है, हार्डवर्क करने की नीड है गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं जो टाइम है वो आपके लिए मुझे सपोर्टिव नज़र आ रहा है। एंड ओके सो एट ऑफ कप्स की एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम पर मुझे लग रहा है अपने करियर में आपने कोई जो है ड्रीम देखा है जिसमें आपको आप आगे बढ़ना चाहते हो, फिर उसके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट अगेन मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ने से बार बार या तो आप रुक जाते हो, या कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन जो है इस टाइम पर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपके करियर में, जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो गाइस मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। ओरेकल एनर्जीज चेक कर लेती हूँ मैं फाइनली आपके करियर को लेकर। ओके सो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। लाइक क्रिएटिव से मेरा मतलब है आप जिस भी वर्क में हैं, अगर आपका जो भी करियर है, आप जॉब में हैं या फिर जो भी हैं, तो बहुत कुछ आप डिज़र्व करते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। फिर बहुत कुछ आप जो है डिज़र्व करते हो, एक्सपीरियंसेस की एनर्जीज है, काफ़ी कुछ आप जो है एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास में, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत कुछ आप जो डिज़र्व करते हो, कहीं ना कहीं इस टाइम पर बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप ऐसा जो है कहीं ना कहीं फील करें कि जो कुछ आप डिज़र्व करते हो कहीं ना कहीं वो आपको मिलना चाहिए। और यस टाइम आ चुका है, अब जो जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो, सक्सेस की एनर्जीज है, वाओ सक्सेस की एनर्जीज है जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो, आपका वो वेल डिज़र्व रिवार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। खुद से आपको जो है हार्डवर्क करना है, आगे बढ़ना है, अपने सक्सेस की इस ब्यूटीफुल से कप को जो है आपको ले लेना है। सो गाइज आई होप के साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो, एनर्जीज आई होप आपके साथ मुझे है मैच करी हो। पर्सनल कनेक्शन के लिए गाइज स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही मुझे कॉन्टेक्ट करें। Till the time, take care and have a nice day.